प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त अंदाज में भ्रष्टाचारियों को चेतावनी दी थी कि ना मैं खाऊंगा और ना ही किसी को खाने दूंगा, न चैन से बैठूंगा और न चैन से बैठने दूंगा। और अब अपने इस बात को पूरा करने और देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मोदी सरकार सख्त हो गई है। जी हाँ, भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ मोदी सरकार कुछ कड़े फैसले लेने का मन बना रही है। खबरों की माने तो मोदी सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय के सत्कर्ता विभाग को अपने अपने विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों के दस्तावेज तैयार करने को कहा है। इस आदेश के बाद सभी मंत्रालय अपने अपने विभागों के दस्तावेज बनाने में जुट गए हैं। लिस्ट बनते ही भ्रष्ट और अपने काम पर फोकस न करने वाले अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स को भी ये लिखा है कि वे अपनी अपनी लिस्ट 5 अगस्त तक किसी भी हाल में पूरा करने का काम कर लें। दस्तावेज तैयार हो जाने के बाद इसके आधार पर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई 15 अगस्त के बाद शुरू होगी। विभागों की भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनते ही उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। दस्तावेज पूरा होने के बाद CBO और सत्कर्ता विभाग सूची में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों पर पैनी नजर रखने का काम करेगा। भ्रष्ट अधिकारियों के कार्यों और निर्णयों की जांच होगी कि क्या वो अपने आर्थिक लाभों के लिए सरकार को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले पद नहीं दिए जाएं। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।